स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में वचन। वचन को इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल नंबर होते हैं, वैसे हिंदी में भी सिंगुलर और प्लूरल नंबर होते हैं। तो आज हिंदी में हम जानेंगे वचन, उसके प्रकार। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वचन का संबंध संख्या से है। वस्तु या प्राणी की संख्या एक है या एक से अधिक है, इसका ज्ञान जो है वचन के अंतर्गत किया जाता है। यानी नंबर से ही पता चलता है कि प्राणी या व्यक्ति एक है या दो है। ठीक है, उसे ही आप वचन कहेंगे। वचन की परिभाषा देखेंगे। हिंदी व्याकरण में शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे जो है वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, दो लड़कियां, पांच लड़कियां, या फिर पांच लड़के, पांच घोड़े, दस बकरियां। ठीक है, तो ये नंबर बताएंगे। संख्या जो होगी वही आपका वचन कहलाएगा। देखेंगे वचन के प्रकार। हिंदी में जो है वचन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में आपके वचन जो है तीन प्रकार के होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आगे देखेंगे एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि एक वचन से ही पता चलता है कि संख्या कितनी है। एक ही काउंट होगा उसमें, एक वचन में। जैसे एक लड़का, एक पुस्तक, औरत, सिर्फ औरत कही गई तो यानी एक। ठीक है, शेर, कुत्ता, लकड़ी, बकरी, घोड़ा। ठीक है, ये संख्या बता रहे हैं कि एक ही है। अगर दो लिखा होता तो बहुवचन हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बहुवचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से बहुत से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। यानी प्लूरल नंबर की बात होगी। जैसे घोड़े, आदमियों, बालकों, औरतों। ठीक है, ये बहुवचन को बताते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक घोड़े की बात नहीं की गई, एक आदमी की बात नहीं की गई है, या एक बालक या एक औरत की बात नहीं की गई। यहाँ सभी औरतों, सभी बालकों की बात की गई है, तो यहाँ पर बहुवचन होगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जो सिर्फ एक वचन में आते हैं, जैसे आकाश हो गया, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता, व्यथा। ठीक है, आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे गरीब की सहायता करो, कल खूब पानी बरसा, सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। यानी अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं एक वचन में, जैसे एक वचन में आपके घोड़ा है, बहुवचन में घोड़े हो जाएंगे, यानी आ का जो है ए में परिवर्तन हो जाएगा। चूहा है, चूहे हो जाएंगे। शीशा है, शीशे हो जाएंगे। ताला है, ताले हो जाएंगे। ठीक है, यानी आ जो है ए में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ को ए कर दिया जाता है। जैसे आंख का आंखें हो जाएगा, दावत का दावतें हो जाएगा, रात का रातें हो जाएगा, औरत का औरतें हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए को जोड़ दिया जाता है। जैसे आत्मा का आत्माएं, यानी चंद्रबिंदु ए पे लग जाएगी। कला है, कलाएं हो जाएगा। माला है, मालाएं हो जाएगा। कन्या है, कन्याएं हो जाएगा। चौथा है अकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है, तथा ई का ह्रस्व ई कर दिया जाता है। जैसे नारी है, नारियां हो जाएगा। खिड़की है, खिड़कियां हो जाएगा। फिर है नाली है, नालियां। नदी है, नदियां। नीति है, नीतियां। लाठी है, लाठियां। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपका री शब्द है, यानी बड़ी ई चेंज हो रहा है या में। ठीक है, यानी चंद्रबिंदु के साथ या। ये हो गया आपका एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या कर दिया जाता है। जैसे चिड़िया हो गया आपका, चिड़िया है, चिड़िया का चिड़िया हो गया। खटिया है, खटिया का खटिया हो गया। बिटिया, बिटिया। चूहिया, चूहिया। यानी इया वाला जो अंत होगा या, ये देखिए इया छोटी ई है और या, ये जो अंत हो रहा है ये अंत को या कर देंगे। ठीक है, यानी या को या। पांचवा है उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम ऊ और ऊ को ह्रस्व ऊ हो जाता है, तथा उनके साथ ए जोड़ दिया जाता है। जैसे वधु, वधुएं। ठीक है, यानी छोटा ऊ के साथ जो है आपका
ए भी जोड़ेंगे। वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, धेनु धेनुएं। छठा है आपका वृंदा, जन, गण, वर्ग, लोग जोड़कर बहुवचन बना दिया जाता है। यानी ये वृंद, जन, गण, वर्ग, लोग ऐसे शब्दों को जोड़कर जो बहुवचन बनाते हैं। जैसे कवि का है, कवि वृंद, इसमें वृंद जोड़ दिया है कवि के बाद। प्रजा, प्रजाजन, जन जोड़ दिया लास्ट में। गरीब, गरीब लोग, ये लोग जोड़ दिया है। छात्र, छात्र, गण, छात्र के साथ गण जोड़ दिया है। मजदूर, मजदूर के साथ वर्ग जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हो गए जो आपके एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल study.om को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए और कमेंट द्वारा अपने सुझाव भेजें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर।